जालौन की घटना है कि वहाँ छुआछूत आज आज़ादी के 75 साल बाद भी वहाँ एक टीचर ने बच्चे को मारा, उसको लेकर बीजेपी भी मुद्दा बना रही है कि साहब यहाँ लचर कानून व्यवस्था है, क्या कहना है? देखिए बीजेपी मुद्दा बनाए तो उनका, मैं समझता हूँ विपक्ष में तो हमें कोई एतराज भी नहीं है, और हम बगैर मुद्दा बनाए हुए भी हमारी सरकार जो है हर घटना पर, घटना तो पूरे मुल्क में राज्य में होती रहती है, अगर आप देखते टीवी के अंदर या मीडिया में तो किस राज्य में घटना नहीं होती है, हम गौर निंदा करते हैं उन सबकी घटनाओं की, परंतु हमारे राज्य में घटना होती है, पर हमारी सरकार को आपने देखा होगा उदयपुर की घटना हो या जालौर की हो, कोई घटना हो हमने पहल करके वो फैसले किए जो कि पब्लिक को खुद को कन्विंस करने वाले हों कि इससे ज़्यादा फैसला कोई कर नहीं सकती सरकार, न्याय सुनिश्चित करें, सजा शीघ्र मिले अपराधी को, ये हमारी खुद की अप्रोच है सरकार की और उसी ढंग से हम लोग चल रहे हैं। जालौर की घटना बहुत बुरी घटना हुई है, टीचर्स को अरेस्ट कर लिया गया, और तो टीचर अरेस्ट हो सकता है, तो जहाँ जहाँ घटनाएं हो रही है वहाँ वहाँ हम लोग कार्रवाई भी करते हैं, ये मैं आपको मैं कह सकता हूँ, क्या पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश मना रहा 75 वर्ष की हमारी आज़ादी की जश्न, घर घर तिरंगा भी चल रहा है, प्रोग्राम भारत यात्रा का प्रोग्राम भी चल रहा है, तो ये तमाम प्रोग्राम जो है राजनीति से हटके होने चाहिए, पूरा देशवासी किसी धर्म का, किसी वर्ग का, किसी समाज का, किसी विचारधारा का व्यक्ति हो, सबको तिरंगा झंडा जो पंडित नेहरू ने फहराया था 1929 के अंदर, वो झंडा बुलंद रहे देश के अंदर, ये भावना हम सबकी है। इस झंडे को लेके पूरा मुल्क एक रहा, अखंड रहा, चुनौती के आई, इंदिरा गांधी ने जान दे दी पर झुकने नहीं दिया, इसको खालिस्तान नहीं बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए, पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित कैसे हों, सरदार बैन सिंह जी थे पंजाब के मुख्यमंत्री, वे शहीद हो गए परंतु आतंकवाद को निस्तनाबूद कर दिया, झंडा बुलंद रहा, यही भावना आज हम सबके दिलों के अंदर है, इसलिए हमने निश्चय किया कि एक तरफ तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी बीते 7 दिन से गौरव यात्रा निकाल रही है, तिरंगा यात्रा निकल रही है, और घर घर तिरंगा फहराने का प्रोग्राम भी पूरे देश में चल रहा है अमृत महोत्सव के रूप में, तो तमाम प्रोग्राम पूरे देश भर में चल रहे हैं, प्रदेश भर में लोगों उत्साह है, आप देख रहे हो कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं सतही, तो फ्रीडम फाइटर्स के योगदान को भी भूल नहीं सकता, सैनी साहब जो हैं ये भी उस जमाने के जब नौजवान थे तब फ्रीडम मूवमेंट में भाग लिया था, इनका सम्मान करना आज भी हमारा बहुत कर्तव्य है, बहुत कम लोग बचे हैं देश के अंदर प्रदेश के अंदर जो आज जीवित थे, तो ऐसे मौके पर ज्ञात अज्ञात जो भी शहीद हुए थे उस जमाने के अंदर उन सबको हम श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, हमारी मौजूदगी में उन्होंने तिरंगा फहराया और महात्मा गांधी के दीप को प्रज्वलित किया, कितना अच्छा लगा उनको, ये भावना हम देख रहे हैं, इसीलिए तय किया कि हम खुद जा करके उन्हें सम्मान करेंगे। अच्छा सर, आपने कहा कि तिरंगे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर अमूमन देखा ही जा रहा है कि बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल दी और कांग्रेस गौरव यात्रा निकाल दी है, जग क्या है? कोई फर्क नहीं है, भारत सरकार और राज्य सरकार है, ये संघीय ढांचा देश के अंदर सब संघ मिलकर के भारत सरकार बनी है, विभिन्न प्रदेश की सरकारें हैं वो भी चुनी हुई सरकारें हैं, चाहे किसी पार्टी की हो, केंद्र सरकार वो भी चुनी हुई है, ऐसे मौके पर राजनीति से बचना ज़्यादा बेहतर रहता है, तभी आम जनता में अच्छा मैसेज जाएगा कि ऐसे वक्त में पूरा मुल्क एकजुट है, चाहे कोई विचारधारा हो, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई भी हो, ये हमारी भावना है और ये हमें सिखाया गया है कांग्रेस के अंदर। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।